बाबा ने कहा कि हम तुम्हें शक्तियों को प्रेरणा करेंगे कि विनाश कराओ और प्रकृति के तत्वों को भी प्रेरणा करेंगे है? प्रकृति के तत्वों को प्रेरणा करेंगे विनाश के लिए। तो पाठ कैसे होगा? कैसे होगा? शक्तियां कौन है और प्रकृति कौन है? प्रकृति को भी प्रेरणा मिलेगी और शक्तियों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रकृति को पहले प्रेरणा मिलेगी या शक्तियों को प्रेरणा पहले मिलेगी? क्यों? क्योंकि शक्तियां चैतन्य हैं। अच्छा, और प्रकृति टोटल जड़त है, जड़ जड़ी भूत है। ज्यादा जड़ जड़ी भूत है, ज्यादा जड़ जड़ी भूत है। दोनों ही शक्तियां हैं, लेकिन एक में अव्यभिचार की पावर है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो शक्तियां पहले प्रेरणा लेती हैं, असुर संहार कारिणी बनने के लिए, और बाद में प्रकृति भी प्रेरणा लेती है। अगर देखा जाए तो संपूर्ण पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब जड़त्व में ही प्रकृति है। प्रकृति प्रमाणे प्रकृष्ट रूप से, कृति माने कारण से किया हुआ कार्य। आत्माएं जो भी है वो सब जड़त्वमयी है, परमपिता परमात्मा के मुकाबले तो सब प्रकृति है। देखा जाए तो पहले पहले नंबर की प्रकृति है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका आधार लेते हैं परमपिता परमात्मा। परमपिता सदैव चैतन्य है और जड़त्व में ही जड़ जड़ी भूत आत्माओं को आकर के चैतन्य बनाता है। सब उजाने हुए दीपक हैं, सबको चैतन्य चैतन्यता देता है। जब चैतन्य बनते हैं तो अपन को आत्मा समझते हैं। आत्मा अलग चीज है और प्रकृति का पुतला शरीर अलग चीज है। प्रकृति का पुतला भी है और जो आत्माएं हैं उन आत्माओं में जन्म जन्मांतर का प्राकृतिक रूप से स्वभाव संस्कार भरा हुआ है। जो स्वभाव संस्कार भरा हुआ है उस स्वभाव संस्कार के अनुसार ही सब
अपना अपना पार्ट बजाने के लिए वशीभूत हैं। हर एक आत्मा में अपने 5000 वर्ष का पार्ट नुदा हुआ है। जैसा पार्ट नुदा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाना पड़ता है। तो प्रकृति के द्वारा सारे कर्म किए हुए हैं जैसे पहले से ही, तो प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली हुई या आत्मा ज्यादा शक्तिशाली हुई या परमपिता परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है? परमपिता परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं वो ही परमात्मा के राइट हैंड्स है। आत्मिक स्थिति में जल्दी स्थित नहीं होते, देहभान में रहते हैं, वो प्रकृति का जड़ रूप है। अंत समय में आत्माएं भी संपन्न बनती हैं और आत्माओं के संगठित योग से प्रकृति भी संपन्न बनेगी। भारत माताएं हैं आज सच्ची सच्ची आत्माएं, आत्मिक स्थिति में रहने वाली। जिनके लिए बोला है शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो जो शिव शक्तियां हैं वो पहले परमपिता परमात्मा से प्रेरणा लेती हैं, फिर प्रकृति भी प्रेरणा लेती है विनाश की। और रुद्रवाला पहले आत्मिक स्थिति के कारण आपको पहचानता है, आत्मिक स्थिति में नंबर वन चली जाती नहीं है, वो तो है ही आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति में है इसलिए परमात्मा बाप उसको बहलाता है, ज्ञान में न होने के बावजूद भी, बाप की पहचान न होने के बावजूद भी वो खुशी में रहती है, साक्षात्कार और स्वप्न की खुशी में रहती है। बाप उन्हें साक्षात्कार कराता रहता है, दुखी नहीं होने देता। जो अपनी बुद्धि चलाते हैं वो दुखी होते हैं। बुद्धिमान बाप को बुद्धिमान बच्चे ज्यादा प्रिय हैं या दिल वाले ज्यादा प्रिय हैं? और लेकिन ब्रह्म ड्रामा में जीव बाप तो साथ नहीं होता है ना? संगम रूप में बाप साथ होते हैं, लेकिन ब्रह्म ड्रामा में तो साथ बाप नहीं होते हैं। जो उनके साथ बाप है, जो समझते हैं बाप साथ है, वो कभी अनिश्चय बुद्धि में तो नहीं आते हैं। जल्दी बोलो। आते हैं, थोड़ा डब्बा गोल कर दिया। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाप का परिचय लेते हैं उनमें ये खासियत है, भले अंत में ज्ञान में आवेंगे लेकिन एक बार पहचानने के बाद फिर कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। इसलिए निश्चय बुद्धि सदा विजयते, ये विजय माला की खासियत है, जो रुद्रमाला में वो खासियत नहीं है। बल्कि कितना भी गहराई से समझेंगे, बड़े बड़े विस्तार से समझेंगे, बड़ी गहराई से समझेंगे, फिर भी क्या करते हैं? है अनिश्चय बुद्धि विनश्यते होते जाते हैं। और जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र का ज्ञान में रहस्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर का
नील चक्र का ज्ञान में रहस्य क्या है? क्या होता है नील चक्र? सुदर्शन चक्र जो मंदिर के ऊपर चक्र जो है उसका काम क्या दिखाया है भक्ति मार्ग में? चक्र का कोई काम दिखाया है? क्या काम दिखाया है? अरे आतताइयों का, राक्षसों का, आसुरी शक्तियों का विनाश करना दिखाया है या नहीं दिखाया है? तो चक्र जो है वो आसुरी शक्तियों का विनाश करता है। आसुरी शक्तियां विषैली हैं या निर्विष हैं? विषैली हैं। विष का रंग कैसा होता है? नीला। तो विष ही विष को मारता है। तो चक्र का रंग कैसा है? नीला चक्र है। और भक्ति में शंकर के जिस वाले पर हम दिखाए वो तो विचार का निशानी है, लेकिन शंकर के भिन्न भिन्न अंगों पर जो अलग अलग तरीके से छाप दिखाए है, शंकर के चित्र पर अलग अलग जो छाप दिखाए ना, वो किस वाले होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार की निशानी कमर में दिखाई है। क्रोध और लोभ की निशानी दोनों भुजाओं में दिखाई है। मोह का फंदा गले में दिखाया है और अहंकार का नाग सर के ऊपर दिखाया है। जगन्नाथ की मंदिर में जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ जी तो बेहद में तो क्या है? गरुड़ पक्षी बेहद में क्या है? ऊंची उड़ान उड़ता है कि नहीं है? तो स्तंभ भी ऊंचा होता है या नीचे होता है? है ऊंचा होता है, इसीलिए गरुड़ स्तंभ उसका नाम दिया है। ऊंची स्टेज पर रहने वाला है। और गौरी का अरुण स्तंभ भी है केदारनाथ मंदिर के सामने। अरुण स्तंभ भी है केदारनाथ। अरुण सूर्य को कहा जाता है। और निराला और कोई नहीं, जितनी निराली चाल भोलेनाथ की है उतनी निराली चाल और दुनिया में कोई की हो ही नहीं सकती। जो बच्चे रहते हैं पापा है, सूक्ष्म बतन में जो बच्चे रहते हैं पापा सब तो आप नहीं जाते सूक्ष्म बतन में? सुविधा में क्या है? आप सूक्ष्म बतन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कैसे? मन चिंतन मंथन से जाते हैं, क्योंकि आपको अपना शरीर है इसलिए मन चिंतन मंथन से जाते हैं। जिनको अपना शरीर नहीं है, शरीर छूट गया है और पुरुषार्थ भी पूरा हो चुका है, 84 जन्मों के पाप भी उनके पिछले 83 जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं, लेकिन वर्तमान जो लास्ट जन्म का पार्ट है उसमें कुछ न कुछ हिसाब किताब 100 गुने पाप के बन गए, तो वो सूक्ष्म रूप से उनको विघ्न बने हुए हैं जो सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होने देते, इसलिए उनको भी सूक्ष्म शरीर से मनन चिंतन मंथन में रहना ही पड़ता है। जैसे हम मनन चिंतन मंथन में रहते हैं वो भी मनन चिंतन मंथन में रहते हैं। हम बीज रूप स्टेज में रहने के कारण मनन चिंतन मंथन में आते हैं, बिंदु की याद करने के कारण, क्योंकि हम हैं ही बीज रूप आत्मा, वो बीज रूप आत्माएं नहीं है, उनको सूक्ष्म देह अभिमान है, उस देह अभिमान में रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा है। कौन सा देह अभिमान? कि भगवान बाप तो ज्ञान सुना के चला जाता है, बाकी तो सारा काम स्वर्ग बनाने का हम करने वाले हैं। ये सूक्ष्म देह अभिमान रह गया। ये सूक्ष्म देह अभिमान जो है उनको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति करा देता है, और सूक्ष्म शरीर के बंधन में रह जाती है वो आत्माएं। तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहने के कारण उनका जो मंथन है वो एक्यूरेट नहीं होता है। आपका मंथन
बीज रूप स्टेज का है। बीज रूप स्टेज माने परमपिता परमात्मा शिव की स्टेज। तो शिव तो सूर्य है ना, तो सूर्य की बच्चों की स्टेज भी कैसी होगी, सूर्य समान। तो बहुत मंथन मनन चिंतन में अंतर पड़ जाता है। इसलिए ब्रह्मा की सोल को शिव बाबा की बताई हुई मुरली की एक बात समझने में कितना टाइम लग जाता है। गीता का भगवान है, शिव कैसे है साकार में, कृष्ण साकार में नहीं है, तो अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। मतलब है सुबिरस, जो मुनि में आता है सुबिरस। हाँ, सुबिरस का मतलब है संगम युग में ऐसा रस पिया जिसके समान दुनिया में कोई भी रस नहीं है। और इसका मतलब उसके गले में फंदा पड़ा हुआ है देह अभिमान का। है उतना नहीं है जितना देह अहंकार का पार्ट शनि देव का दिखाते हैं, उतना देह अहंकार का पार्ट और किसी को नहीं दिखाया जाता। और अरे इंद्र है कौन, अगर ये समझ जाएंगे तो सात रंग भी समझ जाएंगे। कौन है इंद्र, ब्रह्मा की सोल ही इंद्र है। स्वर्ग का पहला पत्ता है, स्वर्ग का राजा है। तो जो स्वर्ग का पहला राजा है उसके नीचे सप्तरंग वाला धनुष, पुरुषार्थी धनुष, पुरुषार्थ करने वाला धनुष, उस सात नारायण हैं जो सप्तरंगी कहे जाते हैं। ये सात रंग हैं, बाकी ब्रह्मा का रंग तो सफेद ही है। सफेद रंग बालकपने का सूचक होता है। बाकी सात रंग और हैं जो सात नारायणों के हैं, सात धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही सप्तरंगी धनुष है। जब बरसात पूरी होती है श्रावण के महीने में, कभी देखा है बरसात जब पूरी होती है तो आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, अर्थात वो सात नारायण ऊंची स्टेज में दिखाई पड़ते हैं। जिन बच्चों की ऊंची स्टेज होती है वो पहचानते हैं कि कौन सी वो आत्माएं हैं बेसिक में जो सात नारायण बनने वाली हैं, वो कौन से पुरुषार्थ करने वाले धनुष को धारण करने वाले ऐसे सात हैं आत्माएं। तो सातों का प्रत्यक्षीकरण होता है, उन्हें सप्तर्षि भी कहते हैं। हर आत्मा में सात रंग होते हैं, जैसे शिव के तीन कार्य करता है वैसे हर आत्मा के भी तीन कार्य करता है, ऐसे हर आत्मा भी सात रंगों से भरी पूरी है। हर धर्म का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। और साकार में निराकार को याद करना, ज्यादा से ज्यादा समय तक याद करने का तरीका क्या होगा। हमने विज्ञान में थे तो बिंदु को ज्यादा समय तक याद करना आसान लगता है, लेकिन अभी साकार में निराकार कर्म व्यवहार में ज्यादा समय करने का तरीका क्या होता है। जब बिंदु को याद करना सहज लगता है तो बिंदु को याद करना चाहिए। निराकारी वर्षा लेना अच्छी बात है खराब बात है, है? निराकार से निराकारी वर्षा लेना, ज्ञान का वर्षा लेना अच्छी बात है या खराब बात है।
इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ने निराकार को याद करना सहज समझा या साकार में निराकार को याद करना सहज समझा? है निराकार को याद करना सहज समझा। तो देखो उनको ज्ञान का वर्षा मिल जाता है। द्वापर और कलयुग में उनके ज्ञान का मुकाबला कोई कर पाता है क्या? है कोई नहीं कर पाता। तो आपको भी ज्ञान का वर्षा मिल जाएगा। बहुत सहज बात है, अच्छी बात है। हैं क्यों याद कर जब आपको सहज मिल रहा है? सहज मिला है सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। आपको तो निराकार को याद करना सहज है ना, तो दुनिया का मान मर्दा वाले मिल जाएगा। 63 जन्मों में मान मर्तबा जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं दुनिया के हिसाब से, जैसे क्राइस्ट है 200 करोड़ से ऊपर मनुष्य आत्माएं उसको ज्ञान का मार्तंड समझती हैं। तो 200 करोड़ आत्माओं से मान मर्तबा मिला या नहीं मिला? है भगवान का साकार रूप उन क्रिश्चियंस ने किसको माना? क्राइस्ट को माना। तो कोई कम बात है क्या? है अरे कम बात है या ज्यादा बात है? ज्यादा बात है, है? कम बात है। क्यों कम क्यों है? कम इसलिए है कि मान मर्तबा ही दुनिया में बड़ी चीज नहीं है। वो झूठा मान मर्तबा है या सच्चा मान मर्तबा है कि हम ज्ञान सूर्य हैं? क्राइस्ट अगर ये समझ के बैठ जाए कि मैं ज्ञान सूर्य हूं साकार में, तो ये झूठा मान मर्तबा है या सच्चा है? और झूठा है तो एक दिन खुलेगा या नहीं खुलेगा? है कब खुलेगा? अंतिम जन्म में जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब उन क्राइस्ट और इब्राहिम को भी जाकर के माथा टिकाना पड़ेगा। किसके सामने? सदगुरु के सामने, जो सदगति देने वाला है। तब सारी दुनिया के आगे, सारे फॉलोअर्स के आगे उनकी नाक नीची हो जाएगी। ये शिव ओम कहने वालों ने 63 जन्म तो अपना नाक ऊंची कर ली, भगवान को जो असली भगवान है उसको नीचा साबित कर दिया। लेकिन अंतिम जन्म में है, अंतिम जन्म में सजाएं खाने के अधिकारी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? सजाएं खाने के अधिकारी बन जाते हैं। और बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा जो चार सब्जेक्ट है ये परस्पर परिपूरक है तो? है परस्पर परिपूरक परिपूरक परस्पर लिंक है। हाँ क्यों नहीं है? पहले ज्ञान क्यों है? किस लिए है ज्ञान पहले? ज्ञान से अच्छा है योग थोड़ा कम है। हाँ योग अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है? योग अच्छा है, योग तो प्रैक्टिकल है ना। योग तो प्रैक्टिकल है, ज्ञान तो प्रैक्टिकल है नहीं। ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञान हो नहीं होगा तो योग लगेगा। है बीके में कहेंगे ज्ञान है, क्यों नहीं है ज्ञान? आत्मा का ज्ञान नहीं है? आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थित कराने वाला कौन है? बाप, उसका ज्ञान है। फिर फायदा क्या हुआ? तो असली ज्ञान ही है। जो ज्ञान को महत्व देते हैं परमात्मा बाप, उन बच्चों को भी महत्व देता है। क्यों देता है? क्योंकि ज्ञानी बच्चा होगा तो बाप का काम पूरा करेगा, अगर अज्ञानी है
तो बाप को संसार में प्रत्यक्ष नहीं करेगा। जो ज्ञानी होगा, जितना ज्ञानी होगा, अगर 100% ज्ञानी होगा तो 100% लाजमी है कि योगी भी होगा। इसमें कोई दो मते नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान पहले है, उसके बाद दूसरा नंबर योग है। योग की पावर ज्यादा है। योग ऐसे है जैसे अन्न, अनाज, और ज्ञान ऐसे है जैसे पानी। पानी में ज्यादा ताकत है या अन्न में ज्यादा ताकत है? अन्न में ज्यादा ताकत है, लेकिन अन्न खाए जाओ सारा दिन, महीने दो महीने अन्न खाओ, पानी बिल्कुल मत पियो, तो भस्म हो जाएगा कि रह जाएगा? भस्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को पहले तरजीह दी गई, पहले रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान पावर है, ज्ञान तो पानी है। भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से ही सृष्टि रची जाती है। जो सृष्टि रची जाती है वो संकल्पों की सृष्टि है। अब संकल्प करने वालों के ऊपर है, जितना बाप की याद में रह करके संकल्प करेंगे उतना सच्ची दुनिया रचने के लिए, अपनी दुनिया सच्ची बनाने के निमित्त बनेंगे। अगर बाप को याद नहीं किया, अन्य देहधारियों को याद किया, तो सत संकल्प उठेंगे या झूठे झूठे संकल्प उठेंगे? झूठे संकल्प उठेंगे, झूठी दुनिया बनाने के निमित्त बन जाएंगे। और हाँ जी माता जी, एक मिनट। महान के बारे में बोले ना, महान हम नहीं, महान तो बाबा है। हाँ। बाबा हाईकोर्ट में बीच डाल के गए हैं तो महान बाबा हैं, तो उन्हीं कारण हम बाबा से मिल पाते, प्राप्त होता है। तो उनको माँ करके बोलते हैं कि इसको बोले माँ करके महान, बाकी समझ नहीं आ रहा है। तो पूछ क्या रहे हैं? पता नहीं, पूछ रहे हैं। हाँ जी, राज्यों का राज के बारे में थोड़ा क्यों नहीं है? राज्यों के राज के बारे में थोड़ा, राज्यों के राज के बारे में प्रतिष्ठित करना, वो तो स्वयं ही प्रतिष्ठित है, उसको प्रतिष्ठित करने की जरूरत क्या है? जो सच्चाई है वो सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत होती है क्या? है, सच्चाई तो स्वयं ही सिद्ध है, सिर पर चढ़ करके बोलती है। राज भरा हुआ है, जिस राज को 16,108 गोप गोपियां ही जानते हैं अच्छी तरह से, वो जानने वाले गोप गोपियां ही राजयोगी हैं, जो नंबरवार राज घराने में जन्म लेते हैं। बाकी 16,108 के बाद का जो मणका है वो राज को नहीं जानता है, इसलिए उस राज का अपोजिशन करता है। सारी दुनिया अपोजिशन करती है, लेकिन जीत फिर भी राजाओं की होगी,
यह सारी दुनिया जो प्रजा वर्ग में जाती है उसकी जीत होगी। पावरफुल कौन है? जो राज परिवार है, जो राजाएं हैं, राजाओं का परिवार है, वो ही पावरफुल बनता है। क्योंकि भगवान बाप से प्रैक्टिकल में उन्होंने शक्ति ली है राज को समझने के कारण। वो जानते हैं कि भगवान बाप से संबंध जोड़ने से जो शक्ति मिलती है वो और किसी मनुष्य आत्मा से नहीं मिल सकती। प्रैक्टिकल शक्ति है और प्रैक्टिकल शरीर को कहा जाता है। बिना शरीर के प्रैक्टिकल नहीं होता है। उनका नाम समझने वालों का रखा गया है गोप और गोपियां। गोप अर्थात गुप्त राज है, सारी दुनिया को जानने की चीज नहीं है। उन्हें समझाओ तो भी नहीं समझेंगे। उसमें गोप भी हैं, गोपियां भी हैं। गोपियों को सहज है समझना, गोपों को भी सहज है। ये उन गोपों की बात है जिन्होंने अपनी कन्या अर्पण की हुई है, जिन्होंने अपनी भांजी अर्पण की हुई है, जिन्होंने अपनी नातिन अर्पण की हुई है, पौत्री अर्पण की हुई है। वो गोप उस गुप्त रहस्य को जानते हैं। जिन्होंने अपनी बहन अर्पण की हुई है, तो जिन्होंने अर्पण करके प्रैक्टिकल में ये अनुभव किया है कि किस आधार पर गुप्त राज है, वो ही समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। जिनको अपनी कन्या है ही नहीं, अपनी बहन है ही नहीं, यज्ञ में दी ही नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं दी है, दूर दराज के रिश्ते में भी नहीं दी है, तो वो अपोजिशन कर सकते हैं। और अपोजिशन करने वाले ही राज को नहीं जानते हैं। और कहा जाता है बाचा करुणा से मनसा सेवा श्रेष्ठ है। हम कैसे जान सकते हैं उसके ऊपर मनसा सेवा बड़ा कि नहीं? हो तो तब ही जानेंगे जब मनसा एकाग्र होगी। जब तक मनसा में चंचलता है तब तक उसकी महानता का कैसे पता चलेगा? मनसा एकाग्र हो जाए तो मन से जो भी संकल्प करेंगे वो उसी समय सिद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए, तो मनसा की महानता का पता लग जाएगा। ऐसी वाचा। और बाबा जिसु ने मृत व्यक्ति को जीवदान दिया था है? जिसने मृत व्यक्ति को जीवदान दिया था? किसने? जीवदान दिया था। जीव की दान क्या होता है? जीवन दान दिया था। हाँ, जिंदा कर दिया। हाँ, जिंदा कर दिया है? जिंदा कर दिया आदमी। हाँ, तो कैसे सत्य है? ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, वो अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में जिंदा किसे कहा जाता है और मरा किसे कहा जाता है? है जो निश्चय बुद्धि हो जाए वो जिंदा, और जो अनिश्चय बुद्धि हो जाए मरा हुआ। इस राज को नहीं जानता है तो बेचारा पूछ रहा है कि जीवदान देने में 100% पास होने वाली आत्मा कौन है? विष्णु। और हाँ, सप्तर्षि मंडल वो तो सात नारायण है, है? सप्तर्षि मंडल वो तो सात नारायण है, ध्रुव नक्षत्र वो मैंने राज क्या है? ध्रुव नक्षत्र कहते हैं। सभी सितारे चक्कर काटते हैं। क्या? सभी सितारे जो हैं, सभी आत्मा रूपी जो धरती के सितारे हैं वो चक्कर में पड़े हुए हैं।
जब बुद्धि चक्कर काटती है, चक्कर खाती है, बार बार चक्कर खाती है, तो चक्कर खाते खाते अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि नहीं बनेंगे? है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते। एक सितारा ऐसा है कोई तरह के चक्कर नहीं काटता, सब चक्करों से न्यारा है, वो है ध्रुव तारा। आसमान के जो भी सितारे हैं वो ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते रहते हैं। ध्रुव तारा अपनी जगह से नहीं हटेगा, उत्तर में वहीं के वहीं दिखाई पड़ेगा। दुनिया के कोई भी स्थान में पानी के जहाज में बैठ करके चले जाओ, पानी के जहाज में जो यंत्र लगा हुआ है उत्तर दिशा को बताने वाला दिशा सूचक यंत्र, वो दिखाएगा इस साइड में है। जहाज भले इधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, लेकिन वो यंत्र ध्रुव तारे की तरफ इशारा करेगा। तो वो ध्रुव तारा वहीं रहता है और तारे अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन सब उस ध्रुव तारे के आसपास ही घूमते हैं, कोई नजदीक और कोई दूर। तो ये सब धरती के सितारे हैं, सब चक्कर काटने वाले हैं निश्चय अनिश्चय के। एक तारा ऐसा है जो अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, वो ही ध्रुव तारा है। माने कि आत्माओं में कोई आत्मा ऐसी है जो ऐसा परम पार्ट निराला बजाने वाली है, वो ही परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है। उस हीरो पार्टधारी में ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है, उसे ध्रुव तारा नाम दिया गया है। शास्त्रों में उसके लिए कहानी लिख दी है कि कंपल में एक उत्तानपाद नाम का राजा था। क्या कहानी? प्रसिद्ध कहानी है। कंपल में एक उत्तानपाद नाम का राजा था। क्या नाम था? उत्तानपाद। उत्त माने ऊपर, तान माने टांग दी, पाद माने पांव। कौन से पांव? बुद्ध रूपी पांव। उस राजा ने अपने बुद्ध रूपी पांव कहां टांग दिए? ऊपर की ओर टांग दिए, तो उसका नाम पड़ गया उत्तानपाद। जो भी शास्त्रों में नाम है वो काम के आधार पर है। ऐसा कोई प्रैक्टिकल में काम किया है तब नाम पड़े हैं, या ऐसे ही नाम पड़ गए? वो प्रैक्टिकल में काम किया है उस उत्तानपाद राजा ने। क्या काम किया है? बुद्ध रूपी पांव को ऊपर टांग दिया परमात्मा बाप की याद में, तो नाम पड़ गया उत्तानपाद राजा। उसको दो रानियां थी, कपिल के उत्तानपाद राजा को दो रानियां थी। कौन सी दो रानियां? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि माने जो अपनी रुचि पूर्वक चलती थी। क्या श्रीमत के नीति नियम क्या हैं? इस बात को नहीं देखती थी। क्या देखती थी? मेरी रुचि क्या है, उस रुचि के अनुसार चलती थी, तो उसका नाम पड़ गया सुरुचि। और एक थी भगवान की जो बनाए हुए नीति नियम हैं, उनके अनुसार चलती थी, तो उसका नाम पड़ गया सुनीति। आप बताओ ज्ञान मार्ग में सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है? जो दो रानियां हैं उत्तानपाद की, वो प्रसिद्ध रानियां हैं। ऐसे तो 16108 भी रानियां गाई गई हैं भगवान की, लेकिन मुख्य है, मुख्य दो है। पता है या नहीं पता है? हैं, सबको पता है? अरे हाथ उठाओ जरा, किसको किसको पता है? टीवी में जरा देखो तो, हाथ सोच समझ के उठाना, नहीं तो हम पूछेंगे। देखो नीचा कर लिया, भाइयों ने तो हमने नीचा कर लिया, माताओं को देखो। सुरुचि और सुनीति, ये नाम पूछेंगे ज्ञान मार्ग में कौन सी रानियों के नाम है।
एक भी नहीं है नाम हाथ उठा है, कोई नहीं है और पीछे। हाँ बताओ। सुरुचि जगदम्बा, सुरुचि जगदम्बा रुचि पूर्वक चलने वाली, और सुनीति लक्ष्मी माता है, भारत माता है सुनीति, और जगदम्बा है सुरुचि। ये दो माताएं हैं जिनका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में। ध्रुव किसका पुत्र होगा? सुनीति का पुत्र। तो ध्रुव तारे का मतलब ही है अपनी जगह पर अटल रहने वाला। बुद्ध रूपी पांव उसका कोई हिला न सके। और तो उत्तर दिशा में क्यों देखे? उत्तर दिशा जो है वो देवताओं की दिशा मानी जाती है। क्या है उसमें? सप्तऋषि तो सात नारायण हो गए और ध्रुव तो सात नारायण क्या हो गए? सप्तऋषि सात नारायण हो गए और ध्रुव तारा जो है। अरे ध्रुव तारे से नारायणों की टैली क्यों कर रहे हो? नारायण तो कन्वर्ट होने वाले हैं। आप बीच में ब्रह्मा की आत्मा जो रहेंगे वो तो ब्रह्मा की आत्मा कोई सप्तऋषि है क्या? हाँ ध्रुवतारा तो प्रजापिता का पार्ट है। हाँ ध्रुवतारा जो प्रजापिता का पार्ट है उसको नारायणों से क्यों टैली करना? लिस्ट लिखा है ना वो सात, उधर एक आठ हो है। वो सात नारायण जो हैं वो तो चक्कर काटने वाले हैं, उनको ध्रुवतारे से कैसे टैली कर सकते हैं? हाँ ब्रह्मा की कोई रूपरेखा नहीं है वहाँ, कोई ब्रह्मा के प्रेजेंस के बारे में? अरे सप्तऋषि अलग है, ब्रह्मा अलग है, माने कृष्ण की सोल अलग है या सात नारायणों में से है? फिर वहाँ कोई सितारा नहीं दिखाया? वो सप्तऋषि के बाद एक आठवां चंद्रमा नहीं दिखाया? अरे हाँ, हम कहते हैं कि ज्ञान योग में पक्के होने के लिए। आप कहते हैं कि ज्ञान योग में पक्के होने के लिए? हमारा यही कहना है, लेकिन बीच बीच में हम क्यों बढ़ते हैं? क्रिश्चियन जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो पूर्व जन्मों को नहीं मानते। तो संगम युग में जब उन्हें ज्ञान मिलेगा तो पूर्व जन्म की बातें जहां जहां आती हैं उनको भूल जाएंगे या उनको याद रहेंगी? भूल जाएंगे। तो आपको पूर्व जन्म भूल गए। 63 जन्म अगर याद रहे कि आत्मा ने पाप करने वाले 63 जन्म भी लिए हैं, जिनमें हम पाप भी किए हैं और कुछ थोड़ा बहुत पुण्य भी किया है। जब पुण्य किए हैं तो हमारी अवस्था रील घूमती है पुण्यों की, अच्छी रहती है, और जब पाप कर्मों की रील घूमती है तो अवस्था डाउन हो जाती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ये कारण है उसका। तो हम पके कैसे होंगे? हैं? तो हम पके कैसे होंगे? पके? पके कैसे होंगे? लगे रहो, लगन बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास है न तो कौन थे या वैराग्य न चग्रह्य थे। ये दुनिया से वैराग लाते रहो, दुनिया खलास होने वाली है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बाप की याद का अभ्यास पक्का करते रहो तो 63 जनों के पाप जल्दी जल्दी खलास हो जाएंगे, ज्ञान और योग में मजबूत हो जाएंगे। और गृहस्थ व्यवहार में और प्रोफेशन में कोई बात पर और ज्यादा टेंशन आता है, और उसका कारण क्या है और कैसे समाधान? टेंशन कितने सन? टेंशन दस दस जब बच्चे बनाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? है सत्युग में एक बच्चा एक बच्ची होती है तो वहां टेंशन फ्री रहते हैं, और यहां
यहाँ ढेर के ढेर संबंधों में बुद्धि फंसा रहे हैं तो टेंशन बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी। और अष्टदेव के जो आठ मणके हैं, अष्टदेव के जो आठ मणके हैं, हम पहले समझते कि रुद्रमाला के वो आठ मणके पूरे निकलेंगे। अभी थोड़ा सुनने को मिल रहा है कि रुद्रमाला के चार और विजय माला से चार निकलते हैं, क्या सही है बाबा? मुख्य धर्म कितने हैं? आठ है मुख्य धर्म है, चार ही मुख्य धर्म है। तो जो चार मुख्य धर्म है, उन चार मुख्य धर्मों में चार आत्माएं तो रुद्रमाला से हैं, सूर्यवंश से, और उनकी सहयोगी नहीं बनती हैं। सबसे ज्यादा सहयोग देने वाली वो रुद्रमाला से बनते हैं। पहले चार रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको 100% सहयोग देने वाले रुद्रमाला से बनते हैं या विजयमाला से बनते हैं? विजयमाला से बनते हैं, तो उनको नंबर नहीं लगाएंगे है? उनका भी नंबर लगेगा। ये चार की वो सहयोगी शक्ति बनके चार बनते हैं या चार चार मिलकर के आठ बनते हैं? वो ही आठ हो गए, वो ही आठ आत्मा है, चार जोड़े हैं। मतलब अष्टदेव का जो हिसाब है यही आठ हिसाब हम लेंगे है, अष्टदेव का जो हिसाब नंबर है इसी प्रकार। उस अष्टदेव में वो देवियां भी शामिल हैं, कहा जाता है अष्टदेव, क्योंकि वे पहले नंबर हैं। बाकी जो और चार हैं बाद वाले रुद्रमाला के मणके, पांचवा छठा सातवां आठवां, वो सहयोगी धर्म है या मुख्य धर्म है? सहयोगी है, वो छेड़े हैं, उनका भी नंबर आएगा, वो भी नंबर में गिने जाएंगे। आठ जोड़े बनेंगे कि नहीं? विजय माला बनेगी तो विजय माला में जो ऊपर का मेरु मरका मणका होता है वो युगल मणका है या सिंगल है? उससे क्या साबित होता है? वो 109वां है या 108वां है? अरे अरे क्या है वो 109वां मणका है या 108वां मणका है? अरे अरे माला में विजय माला में 108 ही मणके हैं या 109 मणके हैं? 108 है, माने वो जो ऊपर मेरु मणका दिखाया गया है वो सिर्फ ये बताने के लिए दिखाया गया है कि जितने भी मणके हैं वो सब युगल हैं। इसलिए चार सूर्यवंश में से और चार चंद्रवंश में से, इस तरह आठ युगल मणके हैं, माने टोटल आत्माएं कितनी है? 16 आत्माएं हैं। पूर्वज होंगे, पूर्व में जन्म लेने वाले, तो उनके बच्चे तो बाद में जन्म लेने वाले हुए या पूर्वज हुए? बाद में जन्म लेने वाले, तो जो बाद में जन्म लेने वाले हैं उनके पूर्वज माँ और बाप दोनों हुए या एक ही होगा? दोनों हुए। और बाबा जो भट्टी करने का जो बाबा बोल रहे हैं कि नौ दिन का जो हिसाब देते हैं, दो पांच दिन या सात दिन भट्टी, पांच दिन भट्टी और दोनों दो दो चार दिन जाने आने का, चार दिन नहीं एक दिन जाना एक दिन आना, उसके हिसाब से बाबा जो नौ दिन भर्ती करने का जो तरीका मैंने हिसाब दिए हैं, अगर कामकिन के या फारुखाबाद के कोई आदमी उसी दिन निकलते हैं ज्ञान में, उसी दिन निश्चय बन जाते हैं, उनका जो नौ दिन का जो हिसाब, जो गरम माल का जो हिसाब है वो कैसे बनता है? वो एक दिन पहले ही बन गया, कैसे? उन्होंने जो फैसला किया जानो, माने जो उसी दिन सुबह उन्होंने अपने को निश्चय कर लिया उस ज्ञान। तुमको ये पता है फरुखाबाद वाले निश्चय बुद्धि जल्दी बनते हैं या दक्षिण भारत वाले जल्दी निश्चय बुद्धि बनते हैं? है? तो तुरंत निश्चय बुद्धि बनना ये फरुखाबाद वालों का हिसाब नहीं है, इसलिए वो एक दिन दो दिन कम से कम जरूर लगाएंगे कि जाएं या ना जाएं।
तो उनका वो एक दिन ऐड किया जाता है। वापस जाते समय भी वो तुरंत फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि भारतवासियों का पूर्ण समर्पण होने में हृदय विदीर्ण होता है। क्या कहा, दक्षिण भारत के क्या नाम है दिया, फौरन, फौरन माने फौरन फैसला लेते हैं, और नॉर्थ इंडिया के फौरन फैसला नहीं ले पाते, क्या राइट है क्या रंग है, लसड़े में फंस जाते हैं, क्योंकि वहां गुरु गुरु लोग उत्तर भारत में ज्यादा हैं या दक्षिण भारत में ज्यादा हैं? उत्तर भारत में देहधारी धर्मगुरु ढेर बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि को फंसाने वाले, तो बार बार उनके चक्कर में आ जाते हैं। और बाबा जो सब पुरुष दुर्योधन के रूप में आ जाते हैं कैटेगरी, ठीक है, और माताएं बने सब सरल ठीक है, तो जो आदम और ईव के बारे में बाबा बोलते हैं, आदम क्या आदम ईव, आदम और ईव के बारे में, हाँ, तो पहले पहले ईव के लिए खराब हुई इसके बाबा बताए। ईव, ईव किसे कहते हैं? ईव नाम जो है वो विदेशियों का है या स्वदेशियों का है? अपने यहाँ तो आदि देव और आदि देवी नाम है। जो आदि देवी है वो तिरुपति में श्री देवी है या पद्मावती है? अंतर है। हाँ जी, देसी वाले को पता नहीं है कि हम अभी आराम से हैं। देसी वाले को पता नहीं है कि हम अभी आराम से हैं। हम आराम से हैं, एडवांस में है, उनको ये पता नहीं है, आपके लिए पता नहीं है। अभी आराम से हूँ, कोई देसी वाले पता नहीं है। हम चाहते हैं कि शर्मी जी सेंटर में जाकर करे या ऐसे पर्सनल टू पर्सनल जाकर करे। हाँ, बाल मजबूत हो तो जाओ। हैं? हैं? बाल ज्योतिर्लिंग होते हैं, बारह ज्योतिर्लिंग होते हैं, प्रवेश करता है उनका साथ प्रवेश करता है। अरे, शिव एक व्यापी है या अनेक व्यापी है? एक व्यापी। ये फैसला नहीं हो पाया अभी तक। हम आपसे पूछते हैं, शिव बाबा सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? तो आपने ये प्रश्न कैसे कर लिया, किसी ने समझाया सो बताओ? ये बात किसी ने समझाई कि जो बारह ज्योतिर्लिंगम है उनमें भी शिव बाबा प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है, ये बात किसने समझाई? अरे बता तो, कोई ने तो समझाई होगी कि मेरे में भी शिव प्रवेश करता है, मैं भी शिवलिंग हूं, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। ओम शांति।